तो आज मैं आपको लेकर आ गया हिमाचल के हमीरपुर के एक शादी में, जहाँ पे ऑथेंटिक तरीके से बड़ी बड़ी बल्टों में इस धाम को तैयार किया जाएगा। इस धाम में आपको 8 से 10 आइटम खाने को मिल जाएंगी। इस धाम के दीवाने पूरे हिमाचल के लोग हैं। तो चल चलते इस पहाड़ी धाम की पूरी मेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो धाम के लिए सबसे पहले यहाँ पे गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद ईंटों से देख सकते हो इसको सेट किया जा रहा है यहाँ पे, ताकि जो चिरोटी है उसको अच्छे से यहाँ पे रख दिया जाए। तो अभी देख सकते हो लकड़ी डाल दी गई इसमें और आग जलाई जा रही है। इसी गड्ढे में यहाँ पे आग जला के हिमाचल की फेमस हमीरपुरी धाम यहाँ पे बनाई जाएगी। तो धाम बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बड़े बड़े मटके लाए जा रहे हैं। तो भैया क्या बोलते हैं, चिरोटी बोलते हैं, चिरोटी बोलते हैं यहाँ पे। तो भैया अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा यहाँ पे? जैसे चिरोटियों को परोड़ा लगा रहे हैं चूल्हे की मिट्टी का, तो इससे काली नहीं होती है। अच्छा, ये काली नहीं पड़ेगी इससे। हाँ जी। तो ये सबसे पहले हमारे छोले आ चुके हैं। छोलों को पूरी रात भिगोया हुआ था, रात को 7 बजे डाल दिए थे हमने, सुबह अभी निकाले। क्वांटिटी कितनी है इसकी? 10 किलो है। 10 किलो है ये। तो धाम के लिए देख सकते हो एक एक करके चिरोटी को सेट किया जा रहा है और उसमें पानी डाला जा रहा है। तो भैया क्या बनेगा सबसे पहले यहाँ पे? ये उबलने का सामान डाल दिया हमने, जैसे राजमा डाल दिए, सफेद चने डाल दिए। अच्छा, उसके बाद हाथ में दालें डालेंगे, चने की दाल, माँ की दाल। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे छोले रेडी किए जाएंगे। नेक्स्ट आइटम यहाँ पे राजमा डाले जाएंगे। तो राजमा हमारे यहाँ पे टोकरी में आ चुके हैं। तो बड़े बड़े देख सकते हो मटकों के अंदर राजमा डाल दिए गए हैं। तो अभी कौन सी दाल आ गई भैया? ये काली दाल आ गई माँ की। अच्छा, तो 3 चरोटी हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। ये आ गई 4थी चरोटी, इसमें बनाई जाएगी चने की दाल और इसमें डाली जाएगी चने की दाल। तो दाल हमारी यहाँ पे उबलना स्टार्ट हो चुकी है, छोले देख सकते हो पकना स्टार्ट हो चुके हैं। तो कितना टाइम लगता है भैया इसको बनने में? 4 घंटे लगते हैं। धूनी लगाएंगे इसको। अच्छा, धूनी लगाई जाएगी। तो उससे क्या होगा? होगा ये झाग बैठ जाएगा, झाग बैठ जाएगा, फिर पानी निकलेगा। तो झाग को बंद करने के लिए इसमें धुनी लगाई जाएगी। आपको दिखाऊंगा कैसे लगाई जाती है। तो लकड़ी पे तेल डाल के देख सकते हो यहाँ पे धुनी लगाई जा रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो धुनी लगाते ही झाग यहाँ से गायब हो चुका है। तो ये दालें लग रही है, साथ में चाप भी लगाई जाएगी यहाँ पे। चाप अभी दालों के बाद में लगेगी। अच्छा, दालों के बाद चाप बनाई जाएगी। तो आज कितने आइटम लगने जा रहे हैं यहाँ पे? 9 आइटम है यहाँ पे। 9 आइटम लग रहे हैं। क्या क्या बनने जा रहा है यहाँ पे? राजमा का मदरा हो गया, आलू चने का मदरा हो गया, शाही पनीर हो गया, चाप बड़ी हो गई, चने की दाल हो गई, माँ की दाल, कड़ी, खट्टा, मीठा। तो चने की दाल में हमारे मसाले डाल दिए गए हैं, प्याज डाल दिया गया है। तो हमारा यहाँ पे मसाला तैयार कर लिया गया है। तो अभी किस में डालेंगे? माँ की दाल में। माँ की दाल में। तो चिरोटी में इसमें डाल दिया गया है। दाल को देखो अच्छे से पका लिया गया है और अब इसको निकाल के यहाँ पे चेक किया जा रहा है। तो तड़का मारने के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया गया कढ़ाई में। लाल मिर्ची रहेगी। तो सबसे पहले डाल दी गई यहाँ पे लाल मिर्च और थोड़ा सा डालेंगे साबुत धनिया। और ये आगे हमारे यहाँ पे साबुत धनिया, ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगा उसका, प्याज डालेंगे। तो एकदम जबरदस्त तड़का यहाँ पे लगने जा रहा है कढ़ी के लिए। तो तड़के के लिए यहाँ पे प्याज डाल दिया गया है। कढ़ी बनाने के लिए प्याज को यहाँ पे अच्छे से भून लिया जाएगा। तो सभी मसालों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा छाछ के साथ। तो प्याज हमारा अच्छे से भून चुका है, अब सारे मसाले से मिक्स कर लिए जाएंगे छाछ के साथ। कढ़ी का यहाँ पे बैटर डाला जा रहा है और देख सकते हो अच्छे से इसको साथ साथ में चलाया भी जा रहा है। तो पूरी कढ़ाई भर के देखते हमारे यहाँ पे कढ़ी रेडी की जा रही है। आज यहाँ पे लगेगी पकौड़े वाली कढ़ी। तो फाइनली देख सकते हो छोले हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। एक्स्ट्रा पानी जो था इसमें से निकाल लिया गया है। तो फाइनली देख सकते हो हमारे छोले अच्छे से उबल चुके हैं, अब इनको चिरोटी में से निकाल लिया जाएगा। तो हमारे राजमा यहाँ पे बनके रेडी हो चुके हैं। तो फाइनली राजमा को देख सकते हो हमारे यहाँ पे अच्छे से पका लिया गया है। तो चिरोटी में से इसको बड़े से कंटेनर में निकाला जाएगा। तो चिरोटी को यहाँ पे पलट दिया गया है, अब इसमें से राजमा निकाले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या बनेगा भैया इसमें? चने का मदरा बनेगा। चने का मदरा। तो चने का मदरा भी इसमें बनाया जाएगा। तो 2 पैकेट यहाँ पे वनस्पति घी इसमें डाल दिया गया है। तो वनस्पति घी डालने के बाद अब यहाँ पे डाला जा रहा है सरसों का तेल। तो चिरोटी में तड़का मारा जाएगा? चिरोटी में तड़का। तो चने के मदरे के लिए हमारा यहाँ पे प्याज आ चुका है और अब इसको चिरोटी में डाला जा रहा है। तो टमाटर का हमारा यहाँ पे पेस्ट आ चुका है। तो मदरे में हमारे यहाँ पे मसाले डाले जा रहे हैं। तो आलू चने के लिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे दही आ चुका है। तो चिरोटी में इसको मिलाया जा रहा है। तो हमारी देख सकते हो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे रेडी हो चुकी है, माँ की दाल। बड़ी सी चिरोटी को देख सकते हो यहाँ पे निकाल लिया गया है। अब दाल को यहाँ पे अच्छे से घुमा के चेक कर लिया जाएगा। तो भाजी दाल बन चुकी है पूरी? बन चुकी है पूरी दाल, इसमें तड़का लगेगा बाद में लास्ट। तो चाप हमारी अच्छे से कट चुकी थी, उसकी अच्छे से यहाँ पे हमने सफाई कर ली है। अब उनको निकाल के उनको अच्छे से यहाँ पे फ्राई किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे चाप आ चुकी है, चाप को अच्छे से यहाँ पे ऑयल में फ्राई कर लिया जाएगा। तो सोया चाप के लिए हमारे यहाँ पे चिरोटी आ चुकी है। तो सोया चाप इसी में बनेगी? इसी में बने। तो बढ़िया टेस्ट आता है इसमें? बढ़िया, खा के देखना। तो सोया चाप के लिए सबसे पहले यहाँ पे सरसों का तेल डाला जा रहा है। तो चाप के लिए हमारा यहाँ पे वनस्पति घी आ चुका है, अब चिरोटी में इसको डाल दिया जाएगा। तो चाप के लिए हमारे यहाँ पे सबसे पहले प्याज डाल दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमारी चाप बनके रेडी हो चुकी है, एकदम देख सकते हो इसका कलर ही चेंज हो चुका है। तो भैया चाप पक के रेडी हो चुकी है ये? हाँ, अभी बस फ्राई होगी, ग्रेवी में डालनी है अभी। तो चाप हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, नेक्स्ट अब इसको ग्रेवी में डाला जाएगा। तो फ्राइड चाप हमारी यहाँ पे आ चुकी है, अब इसको चिरोटी में डाला जाएगा।
तो धाम के लिए हमारे यहाँ पे दो भट्टियाँ लग चुकी है, एक पे लगाया जाएगा तड़का और साथ ही साथ यहाँ पे रेडी किया जाएगा मीठा। तो मीठा बनाने के लिए सबसे पहले कलर आ चुका है, तो चीनी की देख सकते यहाँ पे अच्छे से चाशनी बनाई जा रही है। ये धाम के लिए मीठे के लिए बदाना आ गया है, ये दाल का होता है, दाल का बनता ही है, हाँ उड़द की दाल का होता है। तो मीठे के लिए सबसे पहले यहाँ पे बदाना डाला जा रहा है, तो चाशनी के साथ बदाना को मिक्स कर लिया गया है, अब इसको चाशनी के साथ ही पकाया जाएगा। तो फाइनली देख सकते हमारा यहाँ पे मदरा बन के रेडी हो चुका है, इसको अच्छे से रोटी में चलाया जा रहा है। तो आलू कटने के बाद आलू की अच्छे से सफाई कर ली गई है, अब इसको अलग से निकाला जा रहा है यहाँ पे। तो मदरे में हमारे यहाँ पे फ्राइड आलू डाले जा रहे हैं, छोले इसमें रेडी हो चुके हैं। तो धाम के लिए हमारे यहाँ पे चावल आ चुके हैं, चावल को यहाँ पे बर्तन में निकाला जा रहा है। तो चावल की सबसे पहले यहाँ पे अच्छे से सफाई कर ली जाएगी। तो चावल हमारे अच्छे से धुल चुके हैं 2 से 3 बार, अब इसको बड़ी सी ट्रे में यहाँ पे डाला जाएगा। तो पानी हमारा यहाँ पे अच्छे से उबल चुका है, अब इसमें डाले जाएंगे राइस। तो चरोटी में राइस डाल दिए गए हैं। तो शाही पनीर के लिए हमारा देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में पनीर आ चुका है, अब इसको ग्रेवी के साथ मिक्स कर लिया जाएगा। तो ग्रेवी देख सकते हो हमारी ऐसे पक चुकी है और उसमें पनीर मिक्स किया जा रहा है। तो देख सकते हो शाही पनीर की रंगत कितनी बढ़िया आ रही है और पूरा पतीला भर के यहाँ पे शाही पनीर रेडी हो चुका है। तो राजमा देख सकते हो हमारे अच्छे से उबल चुके हैं, अब इसको लगाया जाएगा चरोटी में तड़का। तो अंकल जी बनके रेडी हो चुके हैं राजमा, हाँ। तो एकदम मसालेदार पहाड़ी राजमा बनके रेडी हो चुके हैं हमारे धाम के लिए। तो आप रंगत देख सकते हो कितनी बढ़िया यहाँ पे आ गई, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो ये है भाई हमारी मसालेदार चाप, कितना बढ़िया कलर आ गया इसमें। सभी आइटम्स के लिए यहाँ पे कॉमन तड़का लगाया जा रहा है। तो तड़के में नेक्स्ट अब इसमें डाला जा रहा है प्याज, नेक्स्ट इसमें मसाले डाले जा रहे हैं, हल्दी डाल दी है, कसूरी मेथी डाल दी है। तो देख सकते हो तड़का एकदम हमारा रेडी हो चुका है, कढ़ी के ऊपर अब इसको लगाया जा रहा है। अब जो भी हमारी दाल मदरा सारी चीज़ें रेडी हुई थी, सब में ये तड़का मिलाया जाएगा। तो भैया अभी क्या रेडी कर रहे हैं यहाँ पे? खट्टा बना रहे हैं अभी। अच्छा, खट्टा बना रहे हैं, हाँ। तो खट्टा बनाने के लिए ऊपर से डाला जा रहा है इमली का पानी। तो खट्टा बनाने के लिए नेक्स्ट इसमें डाली जा रही है शक्कर, तो इमली के बाद इसमें शक्कर डाल दी गई है ताकि एकदम चटपटा सा टेस्ट बने। तो फाइनली देख सकते हो धाम के लिए हमारे चावल बनके रेडी हो चुके हैं, अब इनको चरोटी से निकाल लिया जाएगा। तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी था इसमें से निकाल लिया गया है। तो बड़ी सी टोकरी यहाँ पे आ चुकी है, इसमें अब चावल लगाए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हरे हरे पत्ते रखे जा रहे हैं, तो गर्मा गर्म चावल देख सकते हो अब चरोटी से निकाले जाएंगे। तो अंकल जी इसको क्या बोलते हैं जिससे आप निकाल रहे हैं? कैंथा। कैंथा, हाँ। तो कैंथे से देख सकते हो चावल चरोटी से निकाले जा रहे हैं, एकदम गर्मा गर्म फ्रेश चावल बन के यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। देख सकते हो यहाँ पे हमारे चावल को निकाल के बड़ी सी टोकरी में डाला जा रहा है। तो सारी चीज़ें देख सकते हो धीरे धीरे करके रेडी की जा रही है, हिमाचल की हर शादी या फंक्शन में इस धाम को रेडी किया जाता है। तो ये देख सकते हो ये है हिमाचली धाम का मदरा, इसमें आपको छोले मिल जाएंगे, फ्राइड आलू मिल जाएगा और एकदम बढ़िया से मसालों के साथ बनाया जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारी हिमाचल की धाम लग चुकी है, लोग यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुके हैं, एक एक करके यहाँ पे चावल डाले जाते हैं, दाल दी जाती है, जो जो आइटम बनी होती है। थोड़ा सा हमें धाम के बारे में बताइए कि हिमाचली धाम क्या होती है और क्या क्या चीज़ें बनती है उसमें। ये तो हिमाचली धाम है, कांगड़ी धाम है, हर जगह के अलग अलग धाम है। जैसे चावल तो एक मेन चीज है, कढ़ी बनेगी, चने, मटर पनीर, जो भी मतलब जितना हो सके अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। चावल खाते हैं, रोटी नहीं खाते? रोटी नहीं खाएंगे, धाम जो चल रही है तो चावल भात से चलेंगे। पहले सर चावल डाल रहे हैं, तो हमारी धाम यहाँ पे लगने जा रही है। हाँ, चावल डाल रहे हैं। पहले पत्ते के ऊपर चावल डाल दिए गए, चावल के बाद मदरा डाला जा रहा है। मदरा डाला जा रहा है, ये माँ की दाल है जी, माँ की दाल। तो ये है पहाड़ी राजा भाई, हाँ जी, धाम में लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो काफी यूनिक चाप इसमें डाली जा रही है, मोस्टली शादी में आपको नहीं मिलेगी। शाही पनीर, ये आगे शाही पनीर, चने की दाल, ये आगे में चने की दाल, और ये आगे भाई पकौड़े वाली कड़ी। नेक्स्ट आइटम है खट्टा मीठा बदाने वाला। तो लास्ट आइटम यहाँ पे डल चुकी है बदाने वाला मीठा, हाँ जी। तो फाइनली हमारी हमीरपुरी धाम यहाँ पे लग चुकी है और दूल्हे राजा यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आज इन्हीं की शादी है और आज इन्हीं की धाम में हम आए हैं। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे कितनी सारी आइटम लगवाई है, यहाँ पे 7 से 8 आइटम आपको मिल जाएगी। वैसे तो धाम में एक एक करके चीज़ें मिलती है, बट मैंने प्लेट में सारी आइटम्स लगवाई है। आपको पहाड़ी राजमा मिल जाएंगे, मीठा खाने को मिल जाएगा, ये है इनकी चने की दाल, ये है स्पेशली मदरा जो कि हमीरपुर में लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये है मेरी फेवरेट माँ की दाल। तो देख सकते बहुत सारी आइटम्स हैं, चलिए चलते हैं इनको टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा माँ की दाल से। तो इनकी जो माँ की दाल है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो मैंने काफ़ी टाइम बाद हिमाचली धाम टेस्ट की और खाते एकदम मज़ा आ गया मेरे को। हमीरपुर की धाम बहुत ज़्यादा पसंद है, कांगड़ा की धाम बहुत पसंद है, मंडी की धाम भी काफ़ी अच्छी बनती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आइटम टेस्ट करते हैं, ये है इनके पहाड़ी राजमा। तो राजमा खाने का स्वाद असली पहाड़ों में ही है,
और जो धाम में राजमा बनते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार हमीरपुर की धाम आप जरूर टेस्ट कीजिए। अगर आप हिमाचल आ रहे हो तो आपको ये धाम खाने को मिल जाएगी, शादी में आपको मिल जाएगी, कोई भी फंक्शन होता है लोग ये धाम बनवाते हैं। नेक्स्ट मैं ट्राई करने जा रहा हूँ पनीर और खट्टा मिक्स करके टेस्ट कर लेते हैं। तो हमीरपुर के लोगों को मदुरा बहुत पसंद आता है, छोले और आलू का बनाया जाता है इसको और साथ में है खट्टा, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो शादी की धाम बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है, बहुत ही टेस्टी है, और लास्ट में मैं ट्राई करने जा रहा हूँ मीठा। तो मीठा जो है बदाने का बनता है, तो चलिए चलते इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो शादी की सारी आइटम्स बहुत ही टेस्टी बनी है, खा के मज़ा ही आ गया। तो विशाल भाई थैंक यू सो मच, आपने हमें शादी में इनवाइट किया, तो इनकी शादी का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो अगर आपको भी हमीरपुर की धाम खानी है तो आप हमीरपुर में आके इसको टेस्ट कर सकते हो, शादी फंक्शन में आपको ये धाम मिल जाएगी। तो अब इस धाम को मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।